म्यांमार में सैन्य शासन लागू होने के बाद नरसंहार का एक और भयावह चेहरा देखने को मिल रहा है। जब म्यांमार की सेना ने हेलीकॉप्टर की मदद से आम लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर मौत के घाट उतार दिया और सेना के इस भयानक हवाई हमले में करीब 100 लोगों के मारे जाने का अनुमान है। म्यांमार में तख्ता पलट करने वाली सेना अब अपने ही लोगों पर बम बरसा रही है। निहत्थे लोगों पर गोलियों की बरसात कर रही है। विरोधियों का गढ़ माने जाने वाले इलाके को टारगेट कर रही है। 2 साल पहले हुए तख्ता पलट के बाद इस सेना का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। मंगलवार को सेना की तरफ से किए गए हवाई हमले में बच्चे समेत 100 लोगों से ज्यादा मारे गए हैं। पाजी के इलाके में ये हमला उस वक्त हुआ जब लोग एक दफ्तर के उद्घाटन के दौरान इकट्ठा हुए थे। उद्घाटन समारोह के जश्न के बीच आसमान से सेना आग बरसाने लगी। लोगों की भीड़ इधर उधर भागने लगी, लेकिन खोले आसमान के नीचे जब लोग जान बचाने की कोशिश करते दिखाई दिए तो गोलियां उनके जिस्म को पार करती चली गई और मैदान में लाशों का ढेर लग गया। देखते ही देखते पूरा मैदान खून से सन गया और इलाका मासूमों की चीखों से गूंज गया। म्यांमार के मुख्य शहर यांगून से लगभग 110 किलोमीटर पश्चिम में सांगैंग क्षेत्र है, जहां प्रशासनिक कार्यालय के उद्घाटन के वक्त लोग पहुंचे थे और इसी इलाके में सेना ने गोलियों की बौछार कर दी। चश्मदीदों की माने तो गांव में सुबह करीब 7 बजे सेना का एक फाइटर जेट पहुंचा था। इससे पहले इलाके में एक बम गिराया और फिर इसके साथ कई हेलीकॉप्टर से फायरिंग शुरू की गई। ये गोलीबारी लगातार 20 मिनट तक जारी रही। संयुक्त राष्ट्र ने आम नागरिकों पर म्यांमार की सेना के हवाई हमले की निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त होलकर तुर्क ने बयान जारी कर कहा है, हवाई हमले की रिपोर्ट काफी परेशान करने वाली है। ऐसा लग रहा है कि पीड़ितों में कार्यक्रम में नृत्य कर रहे स्कूली बच्चे और उद्घाटन समारोह में भाग लेने वाले अन्य नागरिक शामिल हैं, जिस समारोह पर सेना ने हेलीकॉप्टर से बम बरसाए। प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि सेना संघर्ष कर रहे विद्रोहियों को दबाने के लिए हवाई हमले करती आ रही है। अभी तक सुरक्षा बलों के हाथों 3,000 से ज्यादा आम नागरिक मारे जा चुके हैं और करीब 12 लाख लोग पलायन को मजबूर हुए। फरवरी 2021 के तख्ता पलट और सेना के सत्ता पर कब्जा करने के बाद से दक्षिण पूर्व एशियाई देश अराजकता की ओर बढ़ गया है और इसकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है।